तो ये देखो एम्बुलेंस में डाल लिया, ये देखो इसमें जा रहे हैं। ये पोस्टर लगा रखा है, ये वाली बिल्डिंग है पूरी। चले डॉलर छत पे, चले 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 चले, अच्छा छत पे चलते। छत पे जाने का नाम से ऐसा बावड़ा हो जाता है, घुमा के लाओ। चलो चलो, आज मैं पहनूंगा अपने जॉर्डन्स, बहुत दिन से पहने नहीं है। और आज मेरा मन कर रहा था अच्छे कपड़े पहनने का, तो वर्सेचे पहने आज। आज हम करेंगे काइट फाइट, छत पे पतंग उड़ाएंगे और लोगों की पतंग काटते हैं। सो गाइस, अभी यहाँ से पतंग उड़ाता हूँ मैं। सो अभी ट्राई करते हैं अभी, क्योंकि वैसे हवा तो चल नहीं रही है, आसमान में एक भी पतंग नहीं है, बट मैं वो उड़ाता हूँ। देखो मेरी पतंग हो रही, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा रही है, इसको यहाँ रखता हूँ। सो गाइस, आपको एक राज की बात बताता हूँ। ये जो मूवी आई थी ना, ये अंबरसरिया, ये फुकरे फुकरे, तो उसमें एक सीन है, वो पतंग पे नंबर लिख के लड़की को पास भेजता है। तो सेम सीन मैंने करा था जब मैं रहता था मदनगीर। तो मैंने क्या करा, पतंग पे लिखा अपना फ़ोन नंबर, ठीक है। तो फ़ोन नंबर लिख के, मतलब दूसरी गली में, दूसरे मोहल्ले में रहती थी लड़की, बट मेरे घर से दिखती थी वो, ठीक है। तो मैंने उसकी छत पे गिराया, मैंने पढ़ना इस पर, फिर कहीं छुट्टी देने लगी, वो करने देते ना, तो मैंने कहा छुट्टी देने, मैंने पढ़ना इसमें क्या है, ये फ़ोन नंबर है। मैंने कहा अगर मन हो ना, तो ऐसे इशारा मार दिया, ठीक है, इसको बोला नहीं मैं, इशारा मारा मैंने। तो उस दिन तो कोई कॉल नहीं आई, ठीक है, अगले दिन भी नहीं आई, फिर तीसरे दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आता है हाय। उस दिन तो उसके बाद नहीं बताऊँ क्या हुआ। सो गाइस, मेरे घर के यहाँ पे कोरोना पेशेंट मिले हैं 17, वो भी एक नहीं 17। ये देखो मैं अभी जा रहा था मार्केट, वो रही मेरी स्कूटी, मम्मी वो खड़ी, और वो देखो सामने वैन है। कितने बंदे अभी, 17 मिले हैं ना, 17 अंदर गली में। ये देखो जूम मार रहा हूँ, तो ये रहे वो। तो वहाँ पुलिस वालों ने सारा बंद कर लिया है, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। वो देखो, और जूम करूँ तो ये क्या हुआ है। तो ये देखो एम्बुलेंस में डाल लिया, ये देखो इसमें जा रहे हैं, तो गई एम्बुलेंस। चलो अब रास्ता खुल गया, चलो मार्केट चलो। हैं, चलो आगे से बंद कर रखा है मेरे ख्याल से, चलो घूम के चलते हैं। तो वहाँ पे पूरा रास्ता खोला है। सो गाइस, मैं अभी मास्क खरीदने जा रहा था, मास्क और घर के एसेंशियल्स लेने आ रहा था। तो मेरे को पता नहीं था ये जो बिल्डिंग है, मैं आपको सीन बताता हूँ, मेरी बिल्डिंग के 5 बिल्डिंग छोड़ के एक ही बिल्डिंग में 17 कोविड पेशेंट निकले हैं, कोविड के 17 एक ही बिल्डिंग में 17। तो उन्हीं को ले जाने आई थी, मेरे को पता नहीं था, वरना मैं निकलता नहीं। और जैसे ही मैं निकला, मैंने ये सीन देखा, फटाफट कैप्चर करा। और ये जो पता है अभी जो कोविड पेशेंट है, ये कौन थे, ये इनकी जनरल स्टोर था, जनरल स्टोर वाले थे। और मम्मी सोचो, ये ना मतलब राशन बांटते थे, जैसे होता है राशन की दुकानें होती है नीचे, उनकी दुकानें थी। तो सोचो इन्होंने कितनों को कर दिया होगा, मेरे को लग रहा है पूरे मोहल्ले का टेस्ट ना हो। हाँ, हो सकता है ना, हमसे अगली गली थी। हाँ, ये देखो सब्सक्राइबर, क्या हाल है, बढ़िया बढ़िया, नया व्लॉग चल रहा है। हाँ, अरे हमारे वहाँ निकला है ना गली में, अरे एक निकल गया सावित्री नगर में, 10 निकल गए, 10। अरे बाप रे, हमारे यहाँ पूरा एरिया सीज कर दिया चारों तरफ से। भोजरानी नहीं, ये खिड़की थी, खिड़की। अच्छा अच्छा, अब पता नहीं कैसे कैसे स्कूटी निकाली है मैंने। मैं भी, मेरे को पता नहीं था, मैं आता नहीं वरना घर से बाहर। मम्मी नर्स है ना, तो उनको लेने के लिए जाना आना पड़ता है। अच्छा अच्छा, चलो ध्यान रखो, बाय बाय बाय। हाँ ओके। तो भाई ये तो और बता गए, सावित्री नगर में 10, ये मेरे घर के आसपास के इलाके हैं, हर इलाके में 10-10, 20-20 निकल रहे हैं। मेरे को लग रहा है हमारी गली में से निकला भी कोरोना पेशेंट, तो हमारा भी चेकअप होगा, क्योंकि हमें सेफ रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा घर में रहना, क्योंकि वो ना जो जनरल स्टोर वाले, वो सबको सामान दे, पूरा मोहल्ला उनसे सामान लेता था, तो उन्होंने पता नहीं कितनों को करा होगा। नहीं, मेरे को लग रहा है पूरी कॉलोनी सैनिटाइज होगी और हमारा भी शायद टेस्ट हो सकता है। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ पैसे निकालने, क्योंकि मेरे को, आपको याद होगा जब मैंने कार्ड इशू कराया था, तो मैंने पैसे नहीं निकलवाए थे उस दिन, और मेरे पे पैसे बिल्कुल खत्म हो गए, मैंने आपको बताया था। तो ये रही मेरी थार, फिलहाल आप लोग बोल रहे थे कैसी है थार, ये भाई हाल देख लो थार का, मतलब कुछ ज़्यादा ही गंदा है भैंस की। तो मैंने महीनों से स्टार्ट नहीं करी है। तो वो रहा ATM, पैसे निकालते हैं। मैं घर से लिटरली बाहर नहीं आता, बट मैं वो खाना और पैसे निकालने थे, क्योंकि बिल्कुल पैसे खत्म है, तो कुछ पैसे निकालते हैं। देखो दिल्ली में गाड़ियों का क्या हाल हो रहा है भैंस की आँख, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा गाड़ी पे, बट आप ये देखो पूरा, मतलब ऐसे लग रहा है पतझड़ सा, कोई साफ नहीं हुई है दिल्ली। तो गाइस, इस जगह बहुत सारे फल वाले रहते थे, तो अब एक भी फल वाला नहीं है, पूरा सीज हो गया ये मालवीय नगर, देखो पूरा अंदर तक है ना। सब्जी मार्केट की क्या टाइमिंग है, 7 से 7 से 7। अभी हम आए कुछ फल ले ले, बड़ी मुश्किल से एक दो दुकानें खुली हुई हैं, तो अभी मैं सारे एसेंशियल्स ले लेता हूँ। आम ले रहा हूँ मैं, आम सेब
कर दो एक किलो सेब, है ना, एक किलो। क्योंकि अब हम नहीं निकलेंगे भाई घर से, मैंने कान पकड़ लिया भाई, मेरे से बड़ी गलती होगी कि मैं खाना लेने भी आ गया, अब मैं खाना लेने भी नहीं आऊंगा। ये देखो पूरे मार्केट का हाल, सब बंद पड़ा है, सब सील हो गया है। तो गाइस अभी बिल्डिंग दिखाता हूँ जिस बिल्डिंग में निकला है, और उसी बिल्डिंग के चार पांच बिल्डिंग छोड़ के मेरा घर है। देखो वो बिल्डिंग ये है राइट साइड में, जो कूड़े वाला आ रहा है ना, ये देखो इसके सामने, ये देखो ये है, ये जस्ट ये पोस्टर लगा रखा है, ये वाली बिल्डिंग है पूरी, ये देखो। अब ये राशन की शॉप है, इसके ऊपर पूरा 17 लोगों को निकला है। देखो तो मेरी तो मजबूरी है क्योंकि मेरे को पता नहीं था, और इसके बिल्डिंग के सिर्फ चार पाँच बिल्डिंग छोड़ के ही मेरा घर है। तो भाई मेरे को डर लग रहा है, घर जाते ही पूरा सैनिटाइज होऊंगा, नहाऊंगा मैं। मैं अभी हम घर आ गया, आपने हाथ धो लिए? हाथ धो लिए, सैनिटाइज किया, फिर हाथ धो लिए। चलो मैं भी सैनिटाइज करूं फटाफट। साला मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे को डर इस बात का कि बस ये पूरे मोहल्ले का अब टेस्ट ना करें, क्योंकि अब टेस्ट हो गया ना तो साला क्वारंटाइन में चले जाऊंगा मैं भी। सो गाइस मेरे को इतना डर लग रहा है, मैं सारी चीजों को सैनिटाइज करूंगा जो जो मैं अभी बाहर लेके गया था, जैसे कि मेरी स्कूटी होगी, मेरी सारी बाइक्स होगी, मेरी चप्पल, मेरे कपड़े, इसको पूरे बदन पे मार लूंगा। तो अभी चप्पल सैनिटाइज करते हैं पूरी। गाइस अब की बार मैं बाहर नहीं जाऊंगा कसम से, मेरे को इतना डर लग रहा है। चलो इसको ऐसा लग रहा है कि बाहर घूमने जा रहे हैं। बेटा बाहर घूमने नहीं जा रहा, सैनिटाइज करने जा रहा हूँ, अब तेरा बेटा बाहर घूमना बंद। सो गाइस सबसे पहले मैं अपनी ड्यूक को ये पूरे हैंडल वो करूंगा सैनिटाइज, ड्यूक क्योंकि मैं चलाते नहीं, तो एक खड़ी रहती है पूरी धूल में, आप पता नहीं कौन कौन इस पे हाथ लगा के गया है, कौन कौन रख के गया है, तो इसके पूरे हैंडल करूंगा। अब इसकी बारी, इसको मैं लेके गया था तो इसके पूरे हैंडल सारी वो करूंगा सैनिटाइज, पल्सर को सैनिटाइज कर लेता हूँ पूरी सारे हैंडल। जो मेरी एक प्लेटिना अंदर खड़ी है उसको मैं सैनिटाइज नहीं कर रहा, इतना अंदर कौन जाएगा। और देखो गाइस ये सारी चीजें मेरी है। सो गाइस ये देख रहे हो पूरी पार्किंग मैंने घेरी हुई है, एक बाइक, दो, तीन, एक अंदर वहां खड़ी हुई है, देखो वहां शायद दिख रही हो, और एक बाइक जैसे मैंने बताया था मेरे दोस्त के घर खड़ी हुई है, तो उसको बाद में दिखाएंगे। अच्छा आपको याद है मैं एक हॉरर एक्टिविटी के बात कर रहा था अपने घर में, तो मम्मी से भी पूछता हूँ। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, आप कुछ नोटिस कर रही हो ऐसे घर में, जैसे कोई रात को कुछ आवाज आना है, या डॉलर रात को भौंकता है आजकल? है भौंकता है ना डॉलर, क्यों भौंकता? ये दरवाजे की तरफ नीचे से मुंह करके और भौंकता है, पता नहीं क्यों बाहर भौंकता है। एक दिन तो मैं पता बाहर खड़ी हो गई, मैंने कहा मैं नहीं भौंकूंगी, तू था नहीं है ना, मैंने कहा तेरे को फोन करा, फिर अक्षत को फोन करा, ऊपर वाले घर में सो रहा था, मैंने कहा आ नीचे जब भी मैं घुसूंगी। फिर पता अक्षत आया, बोला मम्मी आप भी परेशान करती हो, रात को ठीक है ना 12:36 हो रही थी। अब मैंने कहा भूत का टाइम मेरा, मैं लाइट वाइट बंद करके सो रही थी। डॉलर कपड़ों को देख रहा है, वो तो कपड़े पर पड़े हैं खाली प्रेस के लिए, किसको देख रहा भाई? देखो डॉलर, डॉलर क्या हो गया बेटा? डॉलर बार बार ही उधर देखे जा रहा है शोकेस पे। 12:30 बज रहा है और डॉलर पता नहीं क्यों अचानक से आया, सो के घूम रहा है यहाँ, खड़ा हो गया उधर शोकेस देख रहा, उधर तो कुछ है नहीं, खाली कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के लिए। क्या हो गया बेटा? फिर उधर देख रहा है बाथरूम में, पता नहीं बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा है ये बहुत दिनों से। मेरी परछाई है बेटा, क्यों डर रहा है? देखो फिर बाथरूम साइड देख रहा है, मुझे लग रहा है डरा हुआ लग रहा है ये। आजा आजा मेरे पास आजा। सो गाइस मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरे को इतना डर लग रहा है, मैं होपलेस हो गया कि करूँ तो क्या करूँ। आज मैं पूरा लगाने वाला था बट मेरा मेमोरी कार्ड ही ने धोखा दे दिया, मतलब डॉलर ने चवा मारा। अब मेरे को लग रहा है कि ये उस चीज के साइन तो नहीं है कि वो, मतलब वो चीज चाहती हो कि मैं कुछ शूट ना करूँ इसलिए डॉलर से मेमोरी कार्ड तुड़वा दी वो छोटे वाला। अब मैंने देखो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि किसी पे आसपास मेमोरी कार्ड है तो मेरे को उधार दे दिया, खरीदना है। पहले स्टोरी देखो। सो गाइस एक चुल हो गई है, मेरे को बनाना था व्लॉग आज और कल बट डॉलर ने मेरा मेमोरी कार्ड तोड़ दिया। ये देखो दिखाता हूँ बैक कैम से, ये देख सकते हो मेमोरी कार्ड ये इसने तोड़ दिया, ये देख सकते हो। अगर आप पे नया तो मैं खरीद लूंगा, अगर आपको बेचना नहीं है कुछ एक दो दिन के लिए दे दो भाई उधार, व्लॉग बना लूंगा ठीक है, लेकिन अर्जेंट है यार, साउथ दिल्ली में है कोई तो साउथ दिल्ली में,
किसी पे है नैरो था छोटा वाला, यू है ना, क्या नाम है, U3, हाँ क्लास 3 वाला, क्लास 3 है क्लास 10 जो भी होता है, हाई स्पीड चाहिए लेकिन, है ना। तो किसी पे है तो मेरे को इनबॉक्स कर देना फोटो के साथ। तो पूरे क्रैक आ गए, ठीक है। और ये इसका अडेप्टर है, ये भी चबा गया, ये देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे को अर्जेंटली किसी पे है, मतलब हाई स्पीड वाला होता है ना, जो हाई स्पीड वाला जो मेमोरी कार्ड। और अभी देखो डॉलर कहाँ है, देखो कहाँ है, फिर ये बालकोनी में खड़ा है। क्या हो गया बेटा, किसे देख रहा है, कोई भी तो नहीं है नीचे। अबे क्यों डरा रहा है डॉलर, आजा चल अंदर आ, चल क्या कर रहा है गर्मी में, चल चल आजा चल 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 भाई, डॉलर डॉलर। सो गाइस देखते हैं क्या होता है। अब मैं दोबारा शूट करूंगा जैसे मेरे को मेमोरी कार्ड मिल जाता है तो। और जो भी है मैं शूट करूंगा, मैंने आपको प्रॉमिस करा कि मैं इंस्टाग्राम पे सबसे पहले क्लिप दिखाऊंगा उठते ही, अगर कुछ मिलता है तो। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आप ये देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे मेरे। तो देखो नेक्स्ट वीडियो शायद मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी की डालूं, मेरे घर में क्या हो रहा है पूरा, घर में पूरी सीसीटीवी लगा के। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, ये लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना, और ये घंटा दबा देना, उससे क्या होगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही मैं वो वीडियो सबसे पहले डालूंगा। बाय। और हाँ 3 मिलियन होने वाले, थैंक यू सो मच, 3 मिलियन कराओ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके।